दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी आपको बिल्कुल डायरिया यानी दस्त लूज मोशन वाली कंडीशन बन जाती है, तो कभी फिर अचानक से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या जैसा हो जाता है। अब काफी सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरीके का रोग आपको हो गया है, उसे कहते हैं हम IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संग्रहणी रोग। अब हम पहले जान लेंगे कि IBS होता क्या है, फिर मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स बता दूंगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे अच्छे योगासन करेंगे जो कि हमारी इस समस्या को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनिका, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, IBS वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो आते होती हैं यानी इंटेस्टाइन होती है, उसमें बार बार इरिटेट करने का काम करता है IBS। जब हमारी आते इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें हमारा जो कॉन्ट्रेक्शन होता है यानी जो आते होती है ना, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है यानी पचाती है, तो उसमें एक गति होती है, इस तरीके से वो कॉन्ट्रेक्शन चलता है। तो जब उसकी गति में चेंजेस आ जाता है, तो अगर आपका कॉन्ट्रेक्शन बहुत स्पीड से ऐसे ऐसे पंप करते हुए आएगा तो आपको डायरिया बन जाएगा यानी लूज मोशन हो जाएगा, और अगर यही कॉन्ट्रेक्शन आपका स्लो गति के साथ चलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बन जाएगी। अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे मेन लक्षण होता है हमारा डाइजेशन पूरी तरीके से खराब हो जाता है, हमें काफी बार ब्लोटिंग फील होती है यानी आपको पेट फूला फूला फील होगा, मरोड़े सी फील होगी, ऐसे लगेगा पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन सी बन जाती है, तो ये सब IBS की वजह से होता है। और इसके अलावा एक ऐसी प्रॉब्लम यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इसकी वजह से ही होते हैं, यानी ये जो पूरा जो गेम है ये सारा हमारे पेट से रिलेटेड होता है। पेट में जितनी तरीके की परेशानियां हो जाती हैं ना, ये सब IBS की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा अगर मैं कारण बताऊं तो सबसे मेन कारण होता है स्ट्रेस लेना। अगर आप मेंटली रूप से स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन बन गया है, तो वो हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और माइंड हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करती है, तो ये सारा असर हमारे पेट पर जाता है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो मेनली आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके माइंड को फ्री रखिए, योगा करिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं आपको ऐसे चार योगासन बताती हूँ जिनके अभ्यास से आप अपने IBS की समस्या को धीरे धीरे खत्म कर पाएंगे। तो पहला हमारा योगासन आएगा जिसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मैट पर लेट जाना है, एकदम फ्रीली होके बॉडी को एकदम स्थिर रखना है। अब यहीं से पैरों को मिला लेंगे, अपने राइट लेग को बैंड करते हुए हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से। अब अपनी नोज वाला जो पार्ट है उसको अपने घुटने से टच करना है। आपको नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो रहा है तो अच्छा है। तो अब श्वास को भरते हुए इस तरीके से ऊपर आ जाना है और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक इस तरीके से। जैसे ही आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाए, पैर को फ्री छोड़ देंगे और दूसरे लेग को यानी लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए लाएंगे, सेम पोजीशन में आना है और यहाँ पर भी आपको 20 सेकंड तक दूसरे लेग से बने रहना है। फिर धीरे से इसको भी रिलीज कर देंगे। अब यहीं से हमें दोनों पैरों को मोड़ते हुए पूर्ण पवन मुक्त आसन में आना है। अभी तक जो हमने किया था वो अर्ध था, यानी राइट से किया फिर लेफ्ट से किया, अब इसे हमें कंप्लीट उसमें लेकर आना है बेस में। तो हमें दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपने नोज को इस तरीके से टक कर लेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड बने रहना है इस तरीके से। ऐसा करने से होता है हमारे पेट में पूरा प्रेशर, यानी जो आपके पैरों का जो पूरा प्रेशर है और पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो आपके पेट पर जाता है, और पेट से रिलेटेड हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, IBS प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूट करता है। दोस्तों, पवन मुक्त आसन का अभ्यास मैंने बताया, राइट लेग से आपको 20 सेकंड होल्ड करना है, 3 बार रिपीट करते हुए इस आसन को आएंगे, यानी राइट से, लेफ्ट से, और पूरा ये एक बनेगा आपका, और इसी तरीके से आपको 3 सेट करते हुए आना है। अब यहीं से आएंगे हम दूसरे योगासन की तरफ जिसको हम बोलते हैं नौकासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे पेट से रिलेटेड सभी तरीके की परेशानी के लिए। दोनों हाथों को पीछे की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, या तो आप सामने भी रख सकते हैं, जैसा आपका कम्फर्ट रहेगा। अब यहीं से दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास को भरेंगे, छोड़ते हुए अपर लोअर पार्ट को इस तरीके से लिफ्ट करते हुए आना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम नौकासन। बहुत अच्छा प्रेशर जाता है हमारे पेट पर और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। फिर धीरे से लेट जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ जिसे हम बोलते हैं उत्थित पादासन का अभ्यास। उत्थित मतलब उठा लेना, पाद मतलब पैरों को। अपने दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे सेट कर लेंगे ताकि एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल पाए अपने पैरों पर। अब यहीं से दोनों पैरों को
लिफ्ट करेंगे यानी उठा लेंगे 20 डिग्री के एंगल पर, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है इस तरीके से, और यहीं पर आपको 30 सेकंड तक बने रहना है उत्थित पादासन में, और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। पेट पर बहुत ही अच्छा प्रेशर बनता है, धीरे से रिलीज कर देंगे। अब यहीं से आएंगे हम चौथे और अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं जीरो मेकिंग। इसमें हमें दोनों पैरों को उठाते हुए एक बड़ा सा ओ जीरो सर्कल बनाना है, देख लेंगे। दोनों हाथों को दोबारा से अपने नितंब के नीचे रख लेंगे, पैरों को रिलैक्स पोजिशन में रखते हुए दोनों लेग्स को 90 डिग्री में ऊपर उठाते हुए अब यहीं से रोटेट करते हुए आएंगे इस तरीके से, जैसे बड़ा जीरो बनाते हैं ना उसी तरीके से आपको इस तरीके से करते हुए आना है। नीज यानी घुटने एकदम सीधे रहने चाहिए, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आपको 10 बार क्लॉक करना है, फिर 10 बार दूसरे डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक करते हुए आना है, धीरे से रिलीज कर देंगे। इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे, राइट डायरेक्शन में लेके आना है 10 टाइम, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में लेके आना है 10 टाइम, इसी तरीके से 3 सेट आपको करने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे योगासन जो कि हमें IBS में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू बेस पर करना है और अच्छे से फॉलो करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक बहुत ही इजीली पहुंच जाए। और आपको अपनी हेल्थ यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजीली दे पाऊंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।